सो यार नंबर तीन पे जो टिप है ना, इस टिप को अगर आप लोग यूज करते हो ना तो लिटरली यार आपको मारना ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कसम से बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल हो जाएगा आपको मारना। तो अगर आप लोग इस टिप को यूज करना चाहते हो तो वो टिप है, हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, एंड आई होप गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई लोग कैसे हो? सो भाई लोग यार आज का ये वाला वीडियो ना कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है गाइस, और ना ही कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूँ। हाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो ही है, बट आज की इस वीडियो में मैं वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देने वाला हूँ कि मतलब ये कर लो वो कर लो तो आप लोग मतलब मैच जीत जाओगे, ऐसा नहीं गाइस। आज की इस वीडियो में मैं जो बात बताने वाला हूँ आप लोगों को, पांच ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिस टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करते हो ना तो आप लोग ना पबजी मोबाइल लाइट में 1v1 में, जी हाँ दोस्तों 1v4 नहीं बोल रहा हूं इस वीडियो में, 1v1 बोल रहा हूं। और 1v4 का अगर आप लोगों को चाहिए वीडियो तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना। तो इस वीडियो में मैं 1v1 फाइट कैसे करते हैं, आप लोग जैसे कि पता है मैं जब भी वीडियोज डालता हूँ तो आप लोग बोलते हो भाई कैसे इतना सारा किल्स कर लेता है, कैसे बंदों को लेटा देता है भाई, कहते खतरनाक वाला मार देता है बंदों को, कहते ही एकदम भसड़ मचा देता है, तो कैसे करता है, तो हम लोगों को टिप दे। तो यार आज के इस वीडियो में मैं वही पांचों टिप देने वाला हूं जिस टिप को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर बन जाओगे। कसम से बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया प्लेयर बन जाओगे एंड बंदों को ना इजीली ठिला दोगे, ठीक है। तो यार ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक मारो। आज के इस वीडियो को लाइक मैं रखता हूं कम से कम 5 करोड़ लाइक, तो पता है नहीं होगा बट हाँ कर देना, मज़ा सा आ जाएगा। ओके तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन गाइस, क्राउच एंड फायर। लिटरली गाइस अगर आप लोग ये वाला टेक्निक यूज करना सीख गए ना तो भाई इजीली एक बंदे को क्या भाई आप लोग 10-10 बंदे को ठिला सकते हो, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, आप लोगों को सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको बैट बैठ कर खेलना पड़ेगा। क्राउच एंड फायर का मतलब ये होता है आप लोगों को बैट बैठ कर खेलना पड़ेगा। जब भी बंदा आपके सामने आ जाए ना, आप लोगों को करना क्या है, क्राउच के बटन को क्लिक करना है एंड फायर करना है, ठीक है। अब इसको ना आप लोग एक नेक्स्ट लेवल पर भी पहुँचा सकते हो अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर करके एकदम लेजेंड बन जाओ। तो आप लोगों को करना क्या है, जब भी बंदा है ना तो आप लोगों को क्राउच करना है, फिर से उठना है, क्राउच करना है, फिर से उठना है। तो ऐसे करके क्या होगा, मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज होगा और अप एंड डाउन होगा। सो जो बंदा अगर आपकी हेड पर निशाना लगाए तो अगर डायरेक्टली अगर आप लोग क्राउच कर दोगे तो बहुत चांसेस है कि आपका जो बुलेट्स है वो डॉज हो जाए और आपके सर पे नहीं लगेगा, ठीक है। और इजीली आप लोग उसको ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो बंदे एम लगाते हैं वो ज़्यादातर सीने पे लगाते हैं, ठीक है, छाती और सर पे लगाते हैं, क्योंकि पैरों पर कोई भी बंदा एम नहीं लगाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग उसी टाइम पे क्राउच करोगे ना तो इजीली बंदे को ठिला सकते हो। और ये वाला टेक्निक गाइस बहुत यूजफुल है, क्योंकि ऐसे ऐसे टाइम पे मैं जब फंस चुका था ना, और ऐसे ऐसे टाइम पे जब मैंने क्राउच एंड फायर किया और मैं निकल गया, मतलब मेरे 1 HP था, ठीक है, मेरा 1 HP था और मैं क्राउच एंड फायर करके इजीली बच गया। और मुझे लगा कि नहीं यार ये वाला टिप आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि ये वाला टिप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है गाइस। और हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, ठीक है, मर जाओगे आप लोग, बट प्रैक्टिस कर करके ना आप लोग एक लेजेंड बन जाओगे, ठीक है। टिप नंबर 2, क्लोज रेंज पिक। जी हाँ दोस्तों, क्लोज रेंज पिक, इसको अगर मैं सीधे भाषा पे बोलूँ, सीधे लैंग्वेज पे बोलूँ तो वो होता है कमरिया टेढ़ा करके मारो। जी हाँ दोस्तों, लिटरली गाइस ये वाला जो टेक्निक है ना ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्यों बताऊं, क्योंकि गाइस सोचो अगर कोई भी बंदा आपको मार रहा है, क्लोज रेंज पिक गाइस, लॉन्ग रेंज पिक आप लोगों को पता ही होगा, जब भी आप लोग स्नाइपर वगैरह करते हो तो पिक करके हेडशॉट मारते हो, वो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रेंज में पिक बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, ज़्यादातर स्नाइपर भी यूज़ होता है। बट अगर क्लोज रेंज पिक में भी आप लोग मास्टर कर लेते हो ना, क्लोज रेंज पिक अगर करना आप लोग सीख जाते हो ना, तो भाई कितना कूल लगेगा ना वो आप लोगों को ही पता है, क्योंकि आप जब क्लोज रेंज पिक में पिक करके मारो ना बंदों को, तो भाई अगर आपका कोई भी टीममेट होगा ना वो भी बोलेगा भाई क्या ही मार रहा है, मतलब कतई तबाही मचा दिया। आप लोगों ने बहुत सारे मेरे वीडियोज़ पे देखे होंगे कि मैं जब भी सामने बंदा आ जाता है तब मैं पिक करता हूँ और बंदों को फायर करता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना गाइस कि पिक
एंड फायर जब भी करो ना क्लोज रेंज में, पिक एंड फायर जब भी करो तो आपको बेसिक सेटिंग्स में जाके ना क्लोज एंड जो ओपन पिक होता है, मतलब ओपन स्कोप हो जाता है, जो ऑटोमेटिकली अगर आप पिक करते हो तो स्कोप भी ओपन हो जाता है, तो वो वाला ऑप्शन आप लोगों को ऑफ करके रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज रेंज में अगर आप लोग पिक करते हो फिर स्कोप को ओपन ओपन हो जाता है स्कोप, तो भाई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को क्लोज रेंज पिक में जो स्कोप है वो ऑफ करके रखना पड़ेगा। और ये गाइस बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसका एडवांटेज है गाइस, आप लोग बहुत सारे प्लेयर्स को देखे होंगे, लेजिट प्लेयर्स को देखे होंगे, तो वो लोग गाइस ज़्यादातर क्लोज रेंज में पिक करते हैं। आप लोग ध्यान से अगर देखे होंगे तो ऐसे करके टेढ़ा करके कमरिया टेढ़ा करके मारते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है गाइस, आप लोग करो, क्योंकि भाई देखो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये सिंपल जिन निर्मा वाला ऐड में बोल रहा हूँ, बट हाँ जो भी है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो यार करो, अपने आप को ट्राई करो, फिर देखना कितना ज़्यादा इम्प्रूव होता है आपके गेम प्ले पे, ओके। तो ट्राई करना मत भूलना गाइस, क्लोज रेंज पिक। अब ये नंबर 3 पे जो टिप है ना, ये टिप सबसे ज़्यादा यूजफुल टिप है गाइस। अगर ये वाला टिप अगर आप लोग सीख जाते हो ना, मतलब ये वाला टेक्निक जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये वाला टेक्निक अगर आप लोग सीख जाते हो ना, तो भाई आप लोगों को ना PUBG मोबाइल लाइट में मारना भाई दूर की बात, आप लोगों को कोई छू भी नहीं सकता है, लिटरली बता रहा हूँ गाइस, ओके। और ये टिप है गाइस ड्रॉप एंड शॉट। जी हाँ दोस्तों, ड्रॉप शॉट, लिटरली गाइस ये वाला शॉट, ड्रॉप शॉट अगर आप लोगों को पता नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्रॉप शॉट ऐसा होता है कि जब भी सामने बंदा आ जाता है ना, तो आप लोगों को तुरंत सो जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब आप लोग तुरंत सो के मारना पड़ता है, सो के मारना पड़ता है, ठीक है। तो सो के कैसे मार सकते हो, तो आप लोगों को पता है सोने वाला बटन क्लिक करना होता है और सिंपल से सो के आप लोगों को मारना पड़ता है। और ये वाला टिप गाइस बहुत ज़्यादा यूजफुल है गाइस, क्योंकि ये क्राउच एंड फायर से भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि क्राउच एंड फायर में आधा बॉडी आप लोगों को दिख जाता है, क्योंकि आप लोग जब क्राउच करते हो तो कम से कम थोड़ा सा ही आप लोग बैठते हो, ठीक है। लेकिन जब आप लोग सो जाते हो ना, तो गाइस पूरा बॉडी एकदम जमीन के साथ लेटा देते हो आप लोग, तो इसमें गाइस मारना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बंदा इतने मतलब जितने में आप लोगों को वो जो आपका एनिमी होगा वो जितने में आपके बॉडी पर निशाना करेगा नीचे, ठीक है, एकदम नीचे, तब तक गाइस इजीली आप लोग उसको ख़त्म कर सकते हो एकदम सो के ड्रॉप करके, ठीक है। तो ड्रॉप एंड शूट गाइस बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ड्रॉप शॉट गाइस, ओके। एंड बहुत से आप लोग बड़े 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 प्लेयर्स को भी देखे होंगे ड्रॉप शॉट करने को, एंड मैं बहुत सारे वीडियोस में कर चुका हूं, आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मेरे गेम प्लेस को फॉलो करते हो तो आप लोग देखे होंगे कि जब भी बंदा सामने आ जाता है तो मैं सो के मार देता हूं, ओके। तो गाइस ड्रॉप शॉट बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो आप लोग यूज करना इसको। एंड इसका कुछ डिएडवांटेजेस भी है, कि मतलब आप जब सो जाते हो तो तुरंत आप लोगों को उठना भी पड़ता है, क्योंकि आप लोग अगर सो के ही रह जाओगे तो भाई दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो ड्रॉप शॉट को, एंड कसम से यार बहुत ज्यादा बढ़िया प्लेयर बन जाओगे आप लोग, ओके। टिप नंबर 4 गाइस, हेडशॉट मेंटालिटी। अब ये हेडशॉट मेंटालिटी क्या है गाइस, यार मैं आप लोगों को बता दूं, हेडशॉट मेंटालिटी ऐसा टेक्निक है गाइस कि जब भी आप लोग गन को किसी भी बंदे पे फायर करते हो ना, तो उसका जो एम होगा उसको आप लोगों को सर पर रखना पड़ेगा, मतलब हेड पर रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टेक्निक है, बट आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे, मन लगाकर प्रैक्टिस करोगे, हार्डवर्क करोगे, तो आप लोग इस पे लेजेंड बन सकते हो। और जब आप लोग लेजेंड बन जाओगे ना, तो यार आपको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यार हेडशॉट मेंटालिटी एक ऐसा टेक्निक है गाइस, क्योंकि आप लोग जब इसको सीख जाते हो तब आपका जो बुलेट होगा वो सारे सर पर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सारे गोलियां सर पर जाएगा, और जब सारे गोलियां सर पर जाता है तो आप लोगों को पता है, क्योंकि बॉडी से सर का जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और AKM का सोच लो, AKM का 4 बुलेट और बंदा ख़त्म, लिटरली गाइस AKM का 2 बुलेट लेवल 3 का हेलमेट खत्म। तो समझ सकते हो गाइस हेडशॉट मेंटालिटी कितना ज्यादा इफेक्टिव है, और इसको आप लोगों को यूज करना सीखना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये एक प्रो प्लेयर करता है गाइस। और अगर आप लोग एक प्रो प्लेयर बनना चाहते हो तो हेडशॉट मेंटालिटी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और गाइस इसको बहुत ज्यादा ईजी है सीखना, इतना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि आप लोगों को जब भी एम लगाना होता है ना, बंदे पे एम लगाना होता है, तब आप लोगों को सर पर लगाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग ज्यादातर छाती पे लगाते
हो निशाना, बट छाती पे मत लगाओ, सर पे लगाओ, ठीक है। और सर पे जैसे ही लगाना सीख जाओगे ना, तो यार आपको मारना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। और बंदों को ना बहुत ज़्यादा इजीली ठिला सकते हो आप लोग, कहते एकदम भाई पेटी बना दो, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट टिप है गाइस। ओके, अब यार नंबर 5 पे जो टिप है वो है गाइस द शादी डांस। जी हाँ दोस्तों, नए नाम बहुत ऑकवर्ड है, बट लिटरली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टिप है। अब देखो यार, इसका कोई नाम मुझे को सूझ नहीं रहा था, तो इसीलिए द शादी डांस रख दिया, क्योंकि इसमें होता क्या है आप लोगों को भाई, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, जैसे शादी में होता है ना भाई, चम्बक चल्लो चैन छबीला, क्या बोल रहा हूँ यार, गाना लगने, सॉरी यार। तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना, मुजना करना पड़ता है, ठीक है। तो यार जैसे ही बंदा सामने आए ना, तो आप लोग करना क्या है, आपका जो जॉयस्टिक होगा उसको लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे शादी में भंगड़ा डांस करते हो ना, जैसे शादी में डांस कैसे करते हो भाई, कैसे एकदम ओ हो कहते मज़ेदार डांस करते हो ना, तो वैसे आप लोगों को डांस करना पड़ेगा बस। जैसे बंदा एनिमी सामने आए, तो उसके सामने जाकर डांस कर लो भाई, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसे करके डांस कर लो, और भाई बंदा ख़त्म। कसम से बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम है। और आप लोगों को सिर्फ काम करना है, एक ही काम करना है कि आप लोगों को लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे करके करना है, ठीक है। तो देखना कि इसकी इतना ईजिली बंदों को आप लोग ठिला सकते। अब गाइस यार बात कर लेते हैं सारे टिप्स के बारे में, और सारा टिप्स अगर आप लोग एक साथ यूज कर सकते हो ना, मतलब कभी क्राउच कभी सो की कभी हेडशॉट मेंटालिटी कभी ये, मतलब सारे पांचों टिप्स को अगर आप लोग मिला सकते हो ना, तो भाई आप लोग एक लेजेंड प्लेयर बन सकते हो, सच कसम से बता रहा हूँ, एक लेजेंड प्लेयर बन सकते हो। और सारों पांचों टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करते हो, तो भाई क्या ही बताओ, मतलब तबाही मचा दोगे आप लोग, तबाही। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल गया होगा। तो ये छोटा सा वीडियो गाइस, और तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रोज लेके देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।